हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूँ पूजा मेहता। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स। क्लास 12 के अकाउंट्स में मैंने आपको दो बुक पूरी तरह से कंप्लीट करा दी है। आज यहाँ पर हम क्लास 12 अकाउंट्स की थर्ड बुक, कौन सी बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर आज जो उसका पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज ये पूरा वीडियो प्रैक्टिकल नहीं होगा, पूरा वीडियो होगा सिर्फ थ्योरिटिकल, जिसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी का ये पोर्शन है जिसमें हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थर्ड बुक को पढ़ रहे हैं। और ये जो बुक है उसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसको आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो ईयर एंड में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, जिसमें वो क्या ध्यान रखती है, जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं एंड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे ये सभी चीज़ों को, कि वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी उसने पैसा कंपनी में लगाया होता है, उस पैसे से उसने कौन कौन से खर्चे किए होते हैं, किन किन लोगों से पैसा उधार लिया होता है, किन्हें पैसा चुकाना बकाया होता है, ये सारी चीज़ें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है, ताकि कंपनी को पता चल सके कि भैया वो जो काम कर रही है साल भर में, जो काम की प्रोसेस कर रही है, जो पैसा कमा रही है या जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उससे उसे कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी नुकसान में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तैयार करती है। यदि वो ये भी जानना चाहती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी कितना कुछ अचीव कर रही है, इसके लिए भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, जिसमें सारी चीज़ें, छोटे छोटे खर्चे, छोटी छोटी इनकम, सभी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाता है। तो अब ये किसके बेसिस पर तैयार किया जाता है, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। कंपनी एक्ट के सेक्शन 129 में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट या लॉस का स्टेटमेंट होता है, उसे और बैलेंस शीट को, किसमें, इसका जो पूरा प्रिस्क्राइब किया गया है वो वन सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013 में किया गया है कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आती तो चार चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन होता है वो होता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका जो फॉर्मेट है वो कहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है शेड्यूल 3 के कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है ना, शेड्यूल 3 में कंपनी एक्ट 2013 में। तो ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक छोटी सी मीनिंग है या डेफिनेशन है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं, सबसे पहले होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तैयार बैलेंस शीट। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा जाता है, देखिए आप बिल्कुल नई चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपने बैलेंस शीट पहले भी बनाई है और आपको पता है, जब हमने अभी इससे पहले वाली जो बुक करी थी उसमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स पढ़ा था, उसमें आपने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाई थी, मतलब पूरी नहीं बनाई थी, उसका छोटा सा भाग बनाया था। तो उसमें आप क्या क्या देखते थे कि एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटीज़ हैं। इक्विटीज़ क्या होती हैं, जो शेयर होल्डर्स का फंड होता है ना, जो शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, हमने देखा ना कि शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन्हें इक्विटीज़ कहा जाता है ना। ऑफ द कंपनी इट एट अ गिवन डेट इट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस बाय लिस्टिंग एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इट ऑल्सो नोन एज अ
पोजिशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर मेनली तीन चीजें आती हैं। पहली आती है एसेट्स, दूसरी आती है लाइबिलिटीज एंड तीसरी आती है इक्विटी। प्रॉपर डेट पर इन जिन चीजों का लेन देन हुआ है उसके बारे में यहां पर लिखा जाता है, इसलिए ये हर चीज की पोजीशन बताती है, एसेट्स की, लाइबिलिटी की और इक्विटी की, इसलिए इसे पोजिशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सेकेंड क्या बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज डिस्क्राइब द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सेकेंड। ठीक है, जो बैलेंस शीट है उसे पार्ट थर्ड में डिस्क्राइब किया गया है और इसे किस में डिस्क्राइब किया गया है, शेड्यूल थ्री में। ठीक है ना, पार्ट सेकंड के शेड्यूल थ्री में कंपनी एक्ट 2013 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब ये क्या बताता है कि पूरे साल भर में उसने क्या क्या छोटे छोटे खर्चे किए। ठीक है ना, छोटे छोटे खर्चे होते हैं जैसे रेंट देना, सैलरी देना, स्टेशनरी परचेज करना, या छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उन सारी चीज़ों की डिटेल कहाँ लिखी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद तैयार होता है नोट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट किसका पार्ट है, नोट्स ऑफ अकाउंट है बैलेंस शीट का पार्ट, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी, तो इनके बारे में जो डिटेल है वो कहाँ पर दी जाती है, नोट्स ऑफ अकाउंट में। हमने देखा है ना, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर सपोर्टेड बाय द नोट गिविंग डिटेल टू आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें सिर्फ बैलेंस शीट में ही नोट्स ऑफ अकाउंट बनता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे हमें नोट्स ऑफ अकाउंट में शो करना होगा। ठीक है, और लास्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट थर्ड वाली बुक में एक प्रॉपर पूरा चैप्टर है जिसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं बता देती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है AS3 में, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश या कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश जैसी कोई चीज़, उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स ऑफ अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन जो मेन चीज़ जो आपको यहाँ पर पढ़नी है और जिसका आपको फॉर्मेट समझना है वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में और पढ़ लेते हैं, जिसमें मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी। क्या बोल रही है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो कंपनी एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन अ समराइज मैनर दीज थ्री पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, शो द कंपनी ओन एंड वॉट इज ओज मतलब ओन मतलब कितनी कंपनी के पास एसेट्स है और कितनी कंपनी की लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट है वो शो करती है, यही चीज इसमें बताई गई है। अब बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर द प्रिस्क्राइब फॉर्म द पार्ट वन शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है ना, तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है, बुक में भी ये फॉर्मेट दिया है। ठीक है, जिसमें हम ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट की डेट लिखते हैं, ऐसे चार कॉलम बनाते हैं। ठीक है, पहले कैसे बनती थी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनती थी, टी शेप की बैलेंस शीट बनती थी, ऐसे बनती थी ना, ये ऐसी बैलेंस शीट बनती थी। यहाँ पर क्या आती थी, यहाँ पर सारी आ जाती थी लाइबिलिटीज और यहाँ पर आ जाती थी एसेट्स और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, लेकिन कंपनीज में जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है वो इस तरह से तैयार नहीं होती है। कंपनी की बैलेंस शीट जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही तैयार होती है। ठीक है, सबसे पहले नेम आ जाता है, फिर बैलेंस शीट आ जाती है या पर्टिकुलर्स आएगा, नोट नंबर आएगा, हम जितने भी
कैलकुलेशंस करेंगे नोट ऑफ अकाउंट में, उसके नंबर के हिसाब से यहाँ नोट नंबर लिखते हैं। यहाँ पर फिगर एज एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब यहाँ पर जो वो आएगा अमाउंट ये करेंट पीरियड का आएगा और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो प्रीवियस पीरियड का आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नई देखने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं देखी है। शेयर कैपिटल में आपने थोड़ा सा समझा था, पर एक्सट्रैक्ट समझा था, ज़्यादा नहीं समझा था, पर यहाँ पर ये आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और दूसरा आएगा मेन एसेट्स, ठीक है। वही है जो लाइबिलिटीज है हम यहाँ लिखते थे और एसेट्स उधर लिखते थे, अब इन्होंने जो लाइबिलिटीज है उसमें इक्विटीज भी ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनीज क्या करती है, शेयर होल्डर से पैसा लेती है, तो शेयर होल्डर का पैसा क्या कहलाता है, इक्विटी कहलाता है, और लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज भी कर दिया है। और दूसरी होती है एसेट्स। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, पहला आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और थर्ड आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, एंड फोर्थ आती है करेंट लाइबिलिटी। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ। फिर क्या करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं और करेंट एसेट्स में भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और फिर क्या करते हैं उनका टोटल कर लेते हैं। तो दोनों साइड का टोटल जब हमारा बराबर आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ सब काम ठीक चल रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये आपने फॉर्मेट देख लिया, बुक का ही ये फॉर्मेट है। अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेट अपने पास रखिए आप और इसे समझते जाइए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। अभी हमने देखा सबसे पहले क्या दिया हुआ था, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। इसमें क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, पहला पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आती है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल तीन तरह की होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अभी जब हमने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाई थी शेयर कैपिटल में, तो ये पार्ट हमने वहाँ पर सीखा था। ऑथराइज कैपिटल मतलब कितनी कैपिटल कंपनी द्वारा लगाई जा रही है, वो क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल होती है। दूसरी क्या होती है, इशूड कैपिटल, उसमें से कंपनी कितना पैसा मांग रही है पब्लिक से, इशू कितना कर रही है शेयर को, तो उसे क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। और नेक्स्ट होती है सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल लोगों के द्वारा सब्सक्राइब कितनी की जा रही है, तो उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप आता है एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप आता है। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000 शेयर इशू किए 100 ईच के हिसाब से, अब 10,000 में से जो 100 ईच के हिसाब से वो एप्लीकेशन पे मांगती है, अलॉटमेंट पे मांगती है, तो कितना लोगों द्वारा पेड अप कर दिया गया है। यदि फुली पेड अप है वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, यदि नहीं फुली पेड अप है तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसमें सेकंड वाला होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आते हैं रिजर्व में, जितने भी कैपिटल रिजर्व हैं, जितने भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हैं, अदर रिजर्व हैं, या जो सरप्लस है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें यदि प्रॉफिट है तो वो भी कहाँ पर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। मतलब क्या होगा कि जब नीड पड़ेगी तो इनमें से पैसा निकाल कर हम कहाँ पर लगा देंगे, कंपनी में लगा देंगे, या रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या किसी तरह का कोई रिजर्व है, तो वो रिजर्व के में का भी हम पैसा जिसको नीड होगी उसको दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। अब ये चीज़ क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और उस कंपनी के शेयर खरीदने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अप्लाई करते हैं कि भाई हमको शेयर दे दो, पर कंपनी के पास इतने शेयर अवेलेबल नहीं होते हैं, पर कंपनी चाहती है कि इन फ्यूचर जब वो शेयर इशू करे तो लोग उनके शेयर खरीदें। तो वो क्या करती है, जब उसके पास शेयर नहीं होते और लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हें क्या करती है, एक शेयर वारंट इशू कर देती है और बोलती है कि अभी तो शेयर नहीं है, लेकिन जब भी हमारी कंपनी शेयर इशू करेगी तब सबसे पहले आपको इस शेयर वारंट के बदले वो शेयर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर शेयर वारंट जो होता है उसका जो अमाउंट रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होती है, उसे यहाँ पर लिखा जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, अभी शेयर इशू नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्हें शेयर वारंट दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है,
शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। आपने ये चीज़ अलग है ऊपर वाले से, सी से अलग है कि आपने शेयर इशू करे, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है शेयर्स का। बीच में डेट आ गई, आपका अकाउंटिंग ईयर आ गया, तो आप अलॉटमेंट मनी नहीं ले पाए पूरी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी तो रिसीव्ड है, लेकिन अलॉटमेंट मनी अभी रिसीव नहीं हुई है, या फर्स्ट या सेकंड कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसे कहाँ पर लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो 12 मंथ के बाद चुकाई जाएगी, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 मंथ के बाद चुकाई जाएगी उसे कहा जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। और इसी में नेक्स्ट होती है करेंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो 12 मंथ के अंदर, अंडर द 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर चुकाई जाएगी उसे क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी। और जो 12 महीने के बाद चुकाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, ये लॉन्ग टर्म है, बहुत सालों साल चलेंगे, मतलब 12 महीने के बाद ही तो इनका पेमेंट होगा। कोई एक साल के लिए तो कोई भी बैंक लोन नहीं देता, कोई डिबेंचर इशू नहीं करता, कोई बॉन्ड इशू नहीं करता, ये 12 मंथ के बाद ही ये लाइबिलिटी चुकाई जाती है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कभी कभी किसी गलती के कारण जो टैक्स है, टैक्स चुकाना पड़ता है कंपनी को, कभी कभी किसी गलती के कारण यदि कंपनी कम टैक्स चुका देती है और उसे बाद में आ जाता है नोटिस कि आपके द्वारा कम टैक्स चुकाया गया है, आपको ज़्यादा टैक्स चुकाना है, तो उसे जितना डिफरेंस अमाउंट है उसे उसे कहाँ पर लिखना पड़ता है? डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में, ताकि उसे पता रहे कि इतना अभी उसे टैक्स और चुकाना है, ठीक है, अभी इतना टैक्स कम चुकाया गया है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कुछ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती हैं, जैसे प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। जब रिडम्पशन होगा डिबेंचर का तब पेमेंट होगा, या प्रेफरेंस शेयर तो बिल्कुल आखिरी में जब कंपनी बंद होती है तब उनको पैसा दिया जाता है। तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम, तो ये क्या है? बहुत लंबे समय के लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं। तो इन्हें कहाँ पर लिखते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी में। इसके बाद आता है हमारे पास करंट लाइबिलिटी, जो 12 महीने के अंदर ही चुकाना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे लोन रिपेबल ऑफ डिमांड, बैंक ओडी, डिपॉजिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, तो ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। बैंक अकाउंट कभी भी करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो बैंक ओडी है, डिपॉजिट है, लोन ऑफ अदर पार्टीज है, ये छोटे समय के लिए नीड होती है, उसके लिए आप लोन लेते हैं और उसे 12 महीने के अंदर चुकाना होता है। तो ये कुछ नाम है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेपल क्या होता है? आपने बिजनेस के लिए कोई पैसा उधार लिया थोड़े समय के लिए, तो वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, या कोई बिल्स पेबल करना है, तो ये भी कहाँ पर आएंगे? करंट लाइबिलिटी में आएंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। अब ये पहला वाला क्या है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका क्या मतलब है? कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कोई लिया गया है, कोई ऋण लिया गया है, कोई लोन लिया गया है जो बहुत लंबे समय के लिए लिया गया है, लेकिन उसकी चुकाने की डेट बहुत ही ज़्यादा नियर है, ठीक है, उसे 6 मंथ में आपको चुकाना है। तो ऐसी स्थिति में उसे आप कहाँ पर शो करोगे? अदर करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। पहले जब तक 6 महीने से पहले तक तो आप उसे कहाँ पर शो कर रहे थे? नॉन करंट लाइबिलिटी में। लेकिन जब उसके चुकाने की डेट पास आ रही है तो उसे आप कहाँ शो करोगे? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई ऐसी इनकम है जो एडवांस में रिसीव हो गई है, अभी हमने उसका कोई काम नहीं किया है, तो उसे भी आप अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एसेट्स, ठीक है। ये अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो किसकी पढ़ी? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। पहली है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें भी दो तरह के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। देखिए, ये करंट एसेट्स और ये नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स भी वही होती हैं जिससे
जो हमारे पास लंबे समय तक रहेंगी, 12 महीने के बाद तक हमारे पास रहेंगे। वो करंट एसेट्स क्या है, जो सिर्फ थोड़े दिन के लिए है, एक साल के अंदर ही वो एसेट्स हमारे पास से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्लांट्स है, इक्विपमेंट है, ये सब हमारे पास बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं ना, बहुत टाइम तक रहते हैं। जैसे टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, आप भूले तो नहीं है क्या होती है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उनमें जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो आएंगी। दूसरी इनटेंजिबल एसेट्स आएंगी, क्या क्या होती है, गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, किसमें, इनटेंजिबल एसेट्स में, जैसे मास्टहेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। तो ये सारी चीज़ों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। यदि ये आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसमें नया है मास्टहेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स क्या होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में जो टाइटल्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, एक तरह से इनटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी टेंजिबल एसेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी हमारी बिल्डिंग बनी नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो कहाँ पर आएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब ऐसी एसेट्स, इनटेंजिबल ऐसी एसेट्स जो डेवलप नहीं हुई हैं। जैसे सपोज हमने जैसे हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हुआ है, तो ये सब क्या होगी, हमारी नॉन करंट एसेट्स हो जाएगी। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसी में है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या होंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लंबे समय के लिए हमने इनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इनके लिए हमने लंबे समय के लिए इसमें पैसा फंसा दिया है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, हमने पहले क्या पढ़ा था, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब हमने कुछ टैक्स कम चुकाया है तो हमने बचा हुआ टैक्स वहाँ पर लिख दिया था कि भैया हमें इतना टैक्स और चुकाना है। कभी कभी हम किसी स्थिति में ज़्यादा टैक्स चुका देते हैं, जिससे हमें उम्मीद रहती है कि जो हमने ज़्यादा टैक्स चुकाया है वो हमारे पास पैसा वापस आएगा, तो उसे हम कहाँ पर लिखते हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स में लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, बहुत लंबे समय के लिए कोई लोन लिया है या किसी से पैसा एडवांस में लिया है, और जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, जितनी भी नॉन, जो आप तो एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी लंबे समय तक होने वाली जो हमारी एसेट्स हैं उन सबको हम नॉन करंट एसेट्स मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इन सबको भी हम करंट इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, लेकिन वो 12 महीने के अंदर के लिए किए गए हों। ठीक है, हमने एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसे हम 12 महीने के अंदर ही सेल कर देंगे, तो उसे मैं करंट एसेट्स में लिखूंगी। ऐसा कोई डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में किया है, लेकिन 12 विदिन 12 मंथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्वेंट्रीज, जितने भी इन्वेंट्रीज, मतलब हमारे पास जो स्टॉक है, जो हमारे पास चीज़ें बनी हुई या अनस्ट्रक्चर्ड रखी हुई हैं, जितना भी हमारे पास स्टॉक है वो सब इन्वेंट्री में आता है। ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे डाउटफुल डेट्स हैं, जो पैसा हमें लग रहा है कि अब ये डूब जाएगा, उसके लिए हमने एक प्रोविज़न बना के रखा है कि जो पैसा हमारा डूब जाता है उस प्रोविज़न से हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसे भी हम ट्रेड रिसीवेबल में लिखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे बैलेंस इन बैंक, चेक, कैश इन हैंड या अदर्स, जो भी है जो कैश से रिलेटेड है, उसे भी हम करंट एसेट्स में लिखेंगे, क्योंकि कैश तो ऐसा है, आज है कल कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो ये हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ऐसा लोन जो छोटे समय के लिए लिया गया है और ऐसा एडवांस जो छोटे समय के लिए लिया गया है, उसे यहाँ लिखेंगे। अदर करंट एसेट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, ऐसा कुछ पैसा हमारे पास आ गया है तो वो भी हमारी करंट एसेट्स ही होगी। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको पूरा जो फॉर्मेट था, ठीक है ना, उसके बाद उसका समझा दिया है। देखिए, ये जो हमारा पूरा फॉर्मेट था, इसके बारे में हमने सब चीज़ें डिटेल में समझ ली हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक एक चीज़ लिख के समझाती तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे से आपको अलग से समझा दूँ, तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए
क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको बताया था इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस शीट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए, क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज द स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी किस तरीके की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे रही है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब हम पूरा जो अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर एक साल का होता है, तो एक साल में उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो पार्ट वन के शेड्यूल थ्री में था और ये पार्ट टू के शेड्यूल थ्री में है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? अब चलिए इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग ईयर लिखेंगे, यहाँ पर भी फोर कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। नोट नंबर में हम जो इसका कैलकुलेशन करेंगे उसको हम नोट नंबर में लिखेंगे, जैसे हम वर्किंग नोट बनाते थे वैसे यहाँ पर नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे और फिर उसमें नंबर डाल देंगे, यहाँ पर नंबर लिखकर उसका अमाउंट शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर टू में अदर इनकम। ठीक है, तो जितने भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और जितनी भी अदर इनकम है तो टोटल रिवेन्यू लिख देंगे, मतलब ये वन नंबर और ये टू नंबर, इन दोनों को ऐड करके कर दिया थ्री नंबर, टोटल रेवेन्यू आ गया और यहाँ पर हमने ऐड करके लिख दिया। लिखिए ना, ये दो लाइन खींचिए, ऐड करके लिख दिया। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, इन सारे एक्सपेंसेस को भी हमें यहाँ पर टोटल करके लिखना है। ठीक है ना, ये लिखा है ना, टोटल एक्सपेंसेस। अब फिर क्या करेंगे, फिफ्थ वाले नंबर है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले नंबर पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो ये थ्री है, क्या है, टोटल रिवेन्यू और जो टोटल एक्सपेंसेस है, उन दोनों को माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसका अमाउंट लिखेंगे, फिर उसमें से टैक्स को लेस करके प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड है उसके बारे में लिख के यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट बताया है, अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है, जितना भी हमारे पास रेवेन्यू हो रहा है, उन सबको मुझे यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले मैं सेल्स लिखूंगी, लेकिन सेल्स में से मुझे हमेशा ध्यान रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कि लेस करना है सेल्स रिटर्न को। ठीक है, तभी सेल्स लिखना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को मुझे माइनस करना है। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होता है कि जो मैं कार्टून्स यूज़ करती हूँ, जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ उसको पैक करने में और या उस मटेरियल को कलेक्ट करने में, तो वो चीज़ मैं जब बाद में बेच देती हूँ कबाड़ में, तो जो वो पैसा मुझे मिलता है कबाड़ में बेचने से, उसे क्या मैं बोलती हूँ, सेल ऑफ स्क्रैप। इंटरेस्ट ऑन किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट मिला हो, किसी भी तरह का कोई डिविडेंड मिला हो, ये सब क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है अदर इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट अर्न ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड अर्न बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, अदर इनकम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अदर इनकम में क्या आएगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आएगा। यदि आप ये ध्यान नहीं रखोगे, ऊपर नीचे लिख दोगे, तो आपके नंबर घट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस में देखते हैं। एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जैसे हमने कोई सामान सेल कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कोई हमारी कंपनी है उसमें हम सामान सेल कर रहे हैं। कुछ सामान तो ऐसा है कि जो हम थर्ड पार्टी से खरीदते हैं वो डायरेक्ट सेल कर देते हैं, उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा सामान खरीदते हैं, उसको बनाते हैं, ये सब चीज़ों को करने में खर्चा करते हैं। तो ये सब चीज़ें करने में जो खर्चा आता है, तो उसे हम कहाँ पर लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये फॉर्मूला लगाना है। मतलब जब हमने सामान खरीदा था, ओपनिंग स्टॉक हुआ था, फिर हमने जो परचेज किया और मटेरियल, उसमें से जो हमारे पास सामान बच गया उसे माइनस करना है और फिर हमें क्या शो करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब हमने व्यापार के लिए जितने भी खर्चे किए हैं उसे हमें यहाँ शो करना है। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिशिंग गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जितनी भी जो हमारी इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज मतलब जो हमारा स्टॉक है
वो जब तक फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वर्क इन प्रोग्रेस का जितना भी हमारा खर्चा है, स्टॉक इन ट्रेड का जितना खर्चा है, उसे हम यहाँ शो करते हैं। इसमें भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब चलिए और क्या है, और क्या है, एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे उनको हम सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट, टर्म लोन, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट लिमिट, ये सब फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, देखिए एमोर्टाइजेशन याद है कि भूल गए, डेप्रिसिएशन तो मेरे हिसाब से याद रहता है, एमोर्टाइजेशन हम भूल जाते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है क्योंकि उनकी कीमत कम होती है। और उसी तरह से जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स है, जैसे हमारी गुडविल हुई, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, उस पर क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। तो जो उसके खर्चे हैं उसे क्या यहाँ पर लिखते हैं। और अदर एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सामान को लाना ले जाना, इन सब का खर्चा यहाँ पर आता है, ठीक है। इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हमने अच्छे से फॉर्मेट समझ लिया है। थर्ड है नोट ऑफ अकाउंट, जितने भी इसके कैलकुलेशन हैं वो नोट ऑफ अकाउंट में लिखे जाते हैं। जैसे वर्किंग नोट बनाया जाता था ना, हम बनाते थे कि भैया वर्किंग नोट में हमने सारी चीज़ें लिख दी, वैसे नोट ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है। और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चीज़ें लिखते हैं। इसका एक सेपरेट चैप्टर दिया है इन लोगों ने, तो हम वहाँ पर इसे डिटेल में समझेंगे। आज मैंने इसका पूरा चैप्टर वन पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। इसके चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, इन्हें भी मैं आपको डिटेल में बहुत ही जल्दी समझा दूंगी। और फिर हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।